meeting of reflected rays. And virtual image is that image which is formed by those reflected rays which are not meeting actually. They are appearing to be meeting behind the mirror. ऐसा लगता है कि वो meeting meet कर रही हैं behind the mirror. लेकिन यहाँ पर देखो, the reflected rays are actually meeting. So first property is real images तब form होंगी जब actual में दो reflected rays meet कर जाएंगी. Virtual image तब form होगी जब actually में reflected rays meet नहीं करेंगी. वो लगेगा कि हम एक जगह पे ये दोनों मीट कर रही है, बट एक्चुअल में ये मीट नहीं करती है. देखो ये कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होकर चली गई. चलिए दूसरी चीज देखते हैं अपन. रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. रियल इमेजेस को अपन स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं. अब स्क्रीन क्या होती है, अभी उसके बारे में बात करते हैं. एंड वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. और वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. सो रियल इमेजेस दे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेजेस दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड और दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज को बाय हार्ट आप लोगों को याद रखना है. चलिए सो रिमेंबर टू थिंग्स. रियल इमेजेस आर दोज इमेजेस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज like this and virtual mein apparent meeting of the reflected rays. Second is they can be obtained on a screen, they cannot be obtained on a screen. ab dhyan se dekho, aap log sabhi movies dekhne jaate ho to movies dekhne jab apan jaate hain to samne ek bahut badi si screen hoti hai. us screen pe piche projector se light aati hai aur wo projector se jo light aa rahi hai wo screen pe ek image ko form kar rahi hai. so that screen which is containing the movie in a cinema hall, us screen pe maine ek image ko form karwaya. तो दैट स्क्रीन विल बी हैविंग ए रियल इमेज. क्यों? क्योंकि जो इमेज को हम एक स्क्रीन पे ले पाते हैं दैट इमेज इज नोन एज रियल इमेज. अब खुद सोचो कि क्या जो प्लेन मिरर के पीछे के साइड जो हमें खुद का रिफ्लेक्शन दिखता है, क्या हम उसको एक स्क्रीन पे ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते? सो दैट इमेज विच इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन आर नोन एज वर्चुअल इमेजेस. So, ये चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, यू हैव टू लर्न दी. चलिए तो फटाफट हैंड रेज करके बताओ क्या ये रियल और वर्चुअल इमेजेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं. चलिए बहुत बढ़िया. वेरी गुड. So this was the concept of real and virtual images. Now हमारे पास आते हैं कि हम spherical जो mirrors थे, जो हमने कल देखे थे, दो type के spherical mirrors, one is concave, other is convex. In concave convex mirrors से कैसे image form होती है? तो सबसे पहले अपन देखेंगे properties of image formation, किस तरीके से यहाँ पर image formation होता है. उसके बाद हम देखेंगे cases of image formation, कि कितने type के cases होते हैं यहाँ पर image formation. और ये प्रॉपर्टीज और इमेज फॉर्मेशन के केसेस आपको याद होने चाहिए. फटाफट बेटा ध्यान से आज की क्लास में आप लोग स्क्रीन पे देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास जो है. आपको पक्का बोर्ड में सवाल देखने को मिल सकता है आज की क्लास. फटाफट देखें. प्रॉपर्टीज ना लिख करके इसको लिखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं हम वो देखना चाहते हैं. नंबर वन, number one rule is if there is a concave mirror like this,
दिस इज अ कॉनकेव मिरर, कल अपन ने देखा था, देखो जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो कॉनकेव साइड पे होगा, इसलिए कॉनकेव मिरर है। चलिए, इस कॉनकेव मिरर के ये दी प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ये रहा पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ ए लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ अ लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस एंड लाइक दिस, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज लाइट रेज विल पास थ्रू द फोकस। नंबर वन रूल क्या कहता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज लाइट रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद ये पास कहां से कर जाएगी, फोकस पे कर जाएगी। इसको समझने के लिए ऐसा देखो कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहां तक, ठीक है, और यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मिरर तक की लाइन बनाऊं तो दिस इज द रेडियस, और इस रेडियस को टेंजेंट से देखा तो टेंजेंट से ये रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो एक्चुअल में जो ये लाइन मिली है मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके मिरर तक की, इस लाइन को मैं नॉर्मल बोल सकता हूं, तो दिस इज द नॉर्मल, ये दिस इज द नॉर्मल। ऊपर क्या दिख रहा है मुझे, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, एंड अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या निकल के आते हैं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज निकल के आती हैं, तो दिस इज दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज। अब हम जानते हैं जहां कहीं पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो वहां पर एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, सो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, और इस चीज की बात को याद रखना है कि भाई जब भी यहां से इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट पासेस थ्रू द फोकस इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर मैं इस पॉइंट को कनेक्ट कर दूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो यही लाइन जो मिलती है इसको अपन नॉर्मल बोलते हैं, और नॉर्मल के दोनों तरफ मेरे को इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं विच आर इक्वल। इसी सेम केस को हम देखते हैं विद कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान से देखिए, सेंटर कर्वेचर फोकस, ये आई पैरेलल लाइट रे, पैरेलल लाइट रे, ये आ गई पैरेलल लाइट रे, पैरेलल लाइट रे। अब रूल क्या कहता है, इफ देयर इज अ पैरेलल लाइट रे व्हिच इज कमिंग टू द मिरर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट विल पास थ्रू द फोकस, सो यहां पर भी वही होगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट विल पास थ्रू द फोकस, तो देखिए इस तरीके से ये फोकस से पास होती है, बट ये एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर अपीयर हो रही है कि फोकस से पास हो रही है, लेकिन एक्चुअली में तो ये डाइवर्ज होके चली जा रही है। लेकिन दोनों ही केसेस के अंदर, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों ही केसेस के अंदर ये जो फिनोमेना अपन ने पढ़ा, ये जो रूल अपन ने पढ़ा, ये एप्लीकेबल होता है, इस चीज को याद रखना है। सो फॉर बोथ द केसेस दिस रूल इज एप्लीकेबल, व्हाई, बिकॉज whichever line is coming parallel to the principal axis it will pass through the focus because we know that angle I is equal to angle R, aur jab apan isko practically dekhte hain to ye focus se pass hoti hui dikhti hai, yahan par focus behind the mirror tha isliye ye diverge ho jayegi aur aisa lagega ki ye kahan appear ho rahi hai, focus pe appear ho rahi hai। ab ek cheez dhyan se dekho aur samjho, dhyan se dekhna aur samajhna, see when these light rays they appear to be meeting at this focus, to jo bhi image banegi wo virtual banegi, yahan par jab bhi image bani wo virtual banegi, lekin yahan par actually mein takrane ke baad light rays meet ho ja rahi hai, to this image will be real, this image will be real। so you have to understand one thing and that thing is ki jab bhi लाइट रेज पैरेलल आए वो टकराने के बाद कहां से पास होएंगी, फोकस से पास होएंगी, फटाफट हैंड रेज करके बताओ क्या ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं।
Yes, fast everyone. Everyone, yes. Chal. So this was the first rule of image formation. Now let us move on to the second rule of image formation. Dusre rule ki taraf chalte hain. दूसरा रूल अपन इसी का उल्टा देखेंगे. उल्टा कैसे? अभी तक पैरेलल रेज आ रही थी और टकराने के बाद फोकस से जा रही थी. अब अपन रेज को पहले ही फोकस से पास करवा देंगे. ध्यान से देखिए, ये मेरे पास फिर से एक कॉनकेव मिरर. दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड इफ अ लाइट रे पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो जो चीज अभी पिछले केस में अभी हमने पढ़ा कि अगर पैरेलल लाइट रे आएगी तो वो फोकस से पास हो जाएगी, यहां पर एग्जैक्टली इसका उल्टा हो रहा है. एग्जैक्टली इसका उल्टा कैसे? जो लाइट रे फोकस से पास होगी वो एग्जैक्टली आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स द पैरेलल. फटाफट बताइए, क्या ये पॉइंट भी समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे डायग्राम से भी देख लो. अब मैं कॉन्वेक्स मिरर भी बना देता हूं यहां पर. सो दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर कोई लाइट रे ऐसा लगे कि इट इज कमिंग टू द फोकस ऑफ द मिरर, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल. यस, फटाफट बताइए, क्या ये सेकेंड इमेज रूल पता चला कि नहीं पता चला? समझ में आया कि नहीं? यस और नो? रेज हैंड्स. चलिए, बहुत बढ़िया. तो दिस वाज़ दी टू रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. फर्स्ट वाज इफ द पैरेलल रे इज इंसिडेंट ऑन द मिरर देन इट विल पास थ्रू द फोकस एंड इफ अ रे पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दो चीजें अपन पढ़ चुके हैं. तीसरे रूल पे चलते हैं. ध्यान से देखिए, थर्ड नंबर रूल क्या कहता है? उसके लिए भी डायग्राम देखो, समझने की कोशिश करो. दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस एंड इफ अ लाइट रे पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाए तो वो रिट्रेस कर लेगी अपने खुद के पाथ को. तो वो रिट्रेस कर लेगी खुद के पाथ को, ये कुछ इस तरीके से गई, टकराने के बाद वापस इसी रास्ते पे वापस आ गई. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर खींचता हूं तो ये दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द नॉर्मल ओनली. अब जब इस पर्टिकुलर केस की बात की जाएगी तो जब लाइट रे इस नॉर्मल के ऊपर से आ रही है तो एंगल आई बराबर जीरो डिग्री हो जाता है. हम जानते हैं अगर एंगल आई बराबर जीरो डिग्री है तो एंगल आर भी जीरो डिग्री के बराबर ही होना चाहिए. एंड द लाइट रे रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ. If a light ray passes through the center of curvature of the mirror, then it will retrace its own path. Similarly, अगर मैं इसको दूसरे टाइप के मिरर में भी देखूं, तो यहां बनाएंगे फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड इफ अ लाइट रे इज अपियरिंग टू बी कमिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ. ये खुद के पाथ को वापस रिट्रेस करके चली जाएगी. So this is the third rule of image formation, in which when a light ray passes through the center of curvature, after reflection it will retrace its own path. खुद के पाथ को दोबारा retrace कर लेगी. बहुत important property, very important, याद रखना है. चलिए, प्रॉपर्टी नंबर फोर मुझे क्या कहता है? ये तो सबसे आसान प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखो.
हालांकि सारी आसान प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये सबसे आसान है सारी प्रॉपर्टीज। ये आई लाइट रे, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। नाउ इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर, इट विल अंडरगो रिफ्लेक्शन लाइक अ प्लेन मिरर। इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए पोल, द पोल ऑफ द मिरर, then it will undergo reflection like a plane mirror and angle I will be equal to angle R. So aapko dikh raha hai, this is the very easy property. So next is convex mirror. Convex mirror pe ye raha focus, ye raha center of curvature and this is the pole of the mirror. If a light ray is incident on the pole of the mirror, then it will undergo reflection like a plane mirror. So this is angle I is equal to angle R. फटाफट बताइए क्या ये चारों rules image formation के आपको clear हुए कि नहीं हुए? Yes or no? Fast, raise your hands. Yes, yes, बेटा, फटाफट raise hand करके बताइए। तो इन rules को पढ़ा क्यों जा रहा है? इन rules को हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें सारे के सारे रूल्स पता चल जाए, जिनकी हेल्प से मैं ये बता पाऊं कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखता हूं तो उसकी इमेज कहां बनेगी। ये हम पता करने वाले, जो कि हम पता करेंगे कुछ देर बाद ही। कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखें। अभी पहले ये पता करना चाहिए कि हाउ वी विल फॉर्म दीज। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जो कि रूल्स अभी अपन पढ़ चुके हैं। चार टाइप के रूल्स होते हैं, दोनों देखिए। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर ऑप्टिक्स चैप्टर और लाइट चैप्टर इज केसेस फॉर इमेज फॉर्मेशन। सी, यहां पर आएगा केसेस फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के केसेस आएंगे अब मेरे पास। अब समझना, ध्यान से देखना। मेरे पास दो टाइप के मिरर हैं, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। मैं कॉनकेव मिरर के भी सारे केसेस देखूंगा, फिर मैं कॉन्वेक्स मिरर के भी सारे केसेस देखूंगा। और ये केसेस आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पुटअप हो जाता है। देर आर सिक्स टोटल केसेस फॉर कॉनकेव मिरर एंड देर आर टू टोटल केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। दोनों के दोनों पार्ट आपको याद रखने हैं, ऑल द केसेस फॉर कॉनकेव एंड ऑल द केसेस फॉर कॉन्वेक्स यू हैव टू लर्न। कोई भी एक केस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रे डायग्राम बना के बताओ, तो रे डायग्राम बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड रे डायग्राम क्लियर हो, नीटली ड्रॉन हो, उसके लिए आप स्केल और कंपस का यूज करें। फॉर एग्जामिनेशन ऑल्सो यू हैव टू यूज द कंपस टू ड्रॉ दी कर्वेचर पार्ट। जो भी हमारे पास कर्व्ड मिरर्स आते हैं, इसको ड्रॉ करने के लिए आप कंपास की हेल्प लो, क्योंकि उससे आपके होगा क्या, उससे एक तो ये क्लियर बनेगा और साथ ही साथ आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को बहुत इजीली डिफाइन कर पाओगे। दूसरी चीज, इसके मिड पॉइंट को आप फोकस प्रोवाइड कर सकते हो और उसके बाद जो भी रे डायग्राम आपको बनाना है आप बना सकते हो। सो एग्जाम में फॉर गुड मार्क्स यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम वेरी नीटली विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। बच्चे इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं एंड अल्टीमेटली होता क्या, उनके मार्क्स कट जाते हैं। फिर बोलते हैं, सर हमारे मार्क्स कैसे कट गए, हमने तो सही बनाया था। सही बनाया होगा, लेकिन यू हैव टू ड्रॉ इट नीटली। ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मूविंग ऑन, तो सबसे पहले अपन फॉर्मेशन के केसेस देखेंगे। फॉर वन, नंबर वन इज कॉनकेव मिरर। So, यहां पर अपन लिखेंगे हेडिंग कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर में सबसे नंबर वन केस विल बी ए पार्ट, अपन लिखते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पड़ा है, मिरर से बहुत दूर पड़ा है। इतना दूर कि मैं उस डिस्टेंस को क्या मान सकता हूं, इनफाइनाइट मान सकता हूं। पहला केस क्या है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम द मिरर व्हिच इज कॉनकेव मिरर। इतना दूर पड़ा है कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं कितना मान सकता हूं, इनफाइनाइट मान सकता हूं। सो व्हाट विल हैपन, सी दिस इज द कॉनकेव मिरर।
दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर एंड दिस इज फोकस. नाउ इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यहां पर इंफिनिटी में मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, दिस इज द ऑब्जेक्ट. इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज जो होंगी वो पैरेलल होंगी, ये लो ये पैरेलल रेज आई, ठीक है, ये पैरेलल रेज आई, ये पैरेलल रेज आई, ऐसे ये पैरेलल रेज आ रही है. एंड वी नो व्हेन द पैरेलल रेज आर कमिंग फ्रॉम एनी पॉइंट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रेज पैरेलल आए तो ये कहां से पास होती है, कौन बता सकता है मुझे, हैंड रेज करके बताना एक बार, कहां से ये रेज पास होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, टेल मी. अभी कुछ देर पहले ही देखा है, अभी अपन फटाफट, यस 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 पूजा टेल मी, क्लास में भी यही देखा था कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर जाती है वहां पर मेरी इमेज फॉर्म हो जाती है. सो मैं यहां लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट वॉज एट इंफिनिटी, मैं ऐसा लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट वॉज एट इंफिनिटी एंड जो उसकी इमेज बनी वो कहां बनी, एंड द इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं प्रिंसिपल फोकस. सो इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस. द सेकेंड थिंग इज कि इमेज का साइज क्या होगा, इमेज के साइज देखो तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पड़ा है तो थोड़ा बड़ा सा है देखो, लेकिन जब इसकी इमेज बनी कहां पर, फोकस पे, तो देखो एक डॉट इसके शेप में बन रही है क्योंकि जब ये मीट करेंगे सो दे ऑल आर मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट. सो अपन बोल सकते हैं कि ये देखो ये कैसे शेप में, डॉट की शेप में, बहुत छोटा सा है. सो वी कैन से दैट द इमेज इज पॉइंट साइज्ड. इमेज का साइज कैसा है, एक पॉइंट जैसा है. सो द फर्स्ट केस सेज दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, द फर्स्ट केस. फटाफट बता दीजिए, हैंड रेज करके बताओ मुझे कि क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस और नो. बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, फटाफट बताइए. इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, फोकस पे देखो एक पॉइंट सा बन गया, पॉइंट सा बन गया, तो वी कैन से दैट द इमेज इज फॉर्मड एट फोकस एंड इट विल बी पॉइंट साइज्ड. पॉइंट साइज्ड का मतलब इतना छोटा कि मैं इमेज को एक पॉइंट जैसा मान सकता हूं. चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड. देखिए बेटा नेक्स्ट क्लास आपकी अरुण मेहता सर लेते हैं एंड आज अरुण मेहता सर की क्लास भी मैं ही लूंगा, उसमें हम फिजिक्स ही पढ़ेंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास विल बी टेकन बाय मी ओनली, जिसके अंदर अपन फिजिक्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है. हम बाकी केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन उसमें देखेंगे. फटाफट देखिए बी केस देख लेते हैं, उसके बाद अपन क्लास को रिकनेक्ट करेंगे. ध्यान से देखो सेकेंड नंबर केस. So the second number case says object placed beyond center of curvature. Object को हम center of curvature के पीछे कहीं पर रखेंगे. तो देखिए दोबारा से अपन डायग्राम बनाते हैं. ये मेरे पास वही concave mirror, ये मेरे पास principal axis. Principal axis पे यहाँ कहीं पे होगा center of curvature और यहाँ कहीं पे ये यहाँ नहीं यहाँ बना देते हैं. This will be the focus point. और ऑब्जेक्ट को इस बार मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखा है, लेकिन बिहाइंड या फिर बियॉन्ड सी रखा है. सी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां था, इसके पीछे यहां कहीं पर रखा है. तो जब यहां से जो रेज आएंगी कैसे आएंगी, ध्यान से देखो. एक रे को मैं ऐसे सीधा भेज सकता हूं, पैरेलल भेज दिया, ये भेज दिया, ठीक है. एक रे को ऐसे भेज दिया और एक रे को मैं क्या करता हूं, यहां से लेके फोकस से पास करवा देता हूं. ये लो फोकस से पास करवा, इधर एरो नहीं बनाते, इधर बना लो. चलिए सो एक रे को तो मैंने सीधा भेजा है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गई. और जो दूसरी रे मैंने फोकस से पास की, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो रही है, पैरेलल हो रही है. सो वी कैन से दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पोजीशन जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी.
तो जहां पर भी ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है इमेज वहां पर फॉर्म हो रही है। पहली बात देखो इमेज कैसी बनी, इमेज बनी उल्टी, ऑब्जेक्ट बन रहा था सीधा, ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है तो इमेज ऑपोजिट उल्टा बन रहा है। दिस टाइप ऑफ नेचर इज नोन एज इन्वर्जन। यहां पर देखो वही चीज हो गई जो पहले देखा था, पहले लेटरली इन्वर्ट हो रहा था प्लेन मिरर में, यहां पर सीधा ऑब्जेक्ट है तो वो कुछ देर बाद कैसा दिख गया, उल्टा दिखा, इन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो सीधा ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद कैसा दिखा, उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया। दूसरी चीज, अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी मैंने रखा है तो इमेज देखो कहां कहां के बीच में बन रही है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ फोकस के बीच में बन रही है। सो वी कैन से दैट दी ऑब्जेक्ट, इफ दी ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी देन दी इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ। दूसरी चीज, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा था, ऑब्जेक्ट का जो साइज है इमेज का साइज उससे बहुत छोटा है, उससे थोड़ा सा तो छोटा है, सो वी कैन से दैट द इमेज इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी बनी। और फाइनली अपन इमेज के बारे में ये कह सकते हैं इमेज विल बी रियल। रियल क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर आके मीट कर रही है तो इमेज विल बी रियल। एंड द फाइनल प्रॉपर्टी विल बी, इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं इमेज विल बी इनवर्टेड, इमेज विल बी इनवर्टेड। सो द सेकंड केस सेज कि अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनी, बिटवीन सी एंड एफ बनी, छोटी बनी तो इसलिए डिमिनिश लिख दिया। एक्चुअल में बन रही है, दोनों के मीटिंग से बन रही है तो अपन रियल लिख रहे हैं, और क्योंकि उल्टी बनी तो अपन ने लिखा इन्वर्टेड। एंड दिस इज द सेकंड केस फॉर इमेज फॉर्मेशन, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। फटाफट हैंड रेज करके बताइए क्या अपन को समझ में आया कि नहीं, यस और नो, फास्ट फास्ट एवरीवन। सो दो केसेस अपन पढ़ चुके हैं, पहला इन्फिनिटी, दूसरा है बियॉन्ड सी। अब क्लास को खत्म करते हैं, ठीक 9:50 पे वापस आएंगे, 9:50 पे अपन बाकी सारे केसेस देखेंगे। फटाफट स्टूडेंट जो भी ब्रेक लेना है ब्रेक लो, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास को शुरू करेंगे।